So student, let us take some examples on what we had discussed in the last lecture. So चलिए पहला example लेते हैं यहाँ पे. तो how many times, तो आप भी question लिख लीजिए. Question ऐसा है कि how many times does the electron go round? Does the electron go round the first Bohr orbit? The first Bohr orbit of hydrogen atom in 1 second. First Bohr orbit of hydrogen atom in 1 second. Okay, ठीक है. So अभी हम लोगों ने जो थ्योरी देखा था, थ्योरी पढ़ा था, उसमें हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था. तो वो जस्ट मैं आपको याद दिलाता हूँ. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस बाई स्पीड. तो इस तरह से हम लोगों ने ये डिराइव किया था. और वी और आर के हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट किए थे. तो ये निकल कर आया था एम ई रेज टू 4 जेड स्क्वेयर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एच क्यूब एन क्यूब. ठीक है, तो यहाँ से ये निकल के आया था द फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वेयर बाई एन क्यूब. जेड स्क्वेयर बाई एन क्यूब. तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अगर हम लोग ये सारे वैल्यूज पुट कर देंगे, राइट, जैसे एम का वैल्यू हमें पता है, एम कितना है, एम का वैल्यू है 9.1 × 10⁻³⁻³ kg. ई मतलब हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹. ई रेज टू 4 और जेड हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना है, जेड का वैल्यू 1 है. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको पता है 8.85 × 10⁻¹২. ठीक है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 × 10⁻¹२. और यहाँ H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, वो भी पता है आपको, वो कितना है 6.62 × 10⁻³. तो ये सब वैल्यू सब डाल लेंगे तो आपको यहाँ से फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा इसका 6.62 × 10⁻¹५ hertz. ऑलराइट, तो डायरेक्टली जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, ओके, चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम. तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम. व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स हाइड्रोजन एटम. जब ये यहाँ पे बोल रहा है बोहर्स हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब है बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, तो जैसा उन्होंने एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन एटम के बारे में, तो इन बोहर्स हाइड्रोजन एटम हुज एनर्जी इज −3.4 eV. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे एनर्जी लेवल फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि एनर्जी लेवल का फॉर्मूला जो है वो है −13.6 Z² / N². अभी दिस इज हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है यहाँ पे, तो Z का वैल्यू 1 हो जाएगा बाई एन स्क्वेयर, है ना, ये फॉर्मूला जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो ये आ जाएगा आपका −13.6 × N² eV. अभी एनर्जी का वैल्यू जो दिया है वो दिया है −3.4, तो आपने −3.4 = −13.6 × N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, राइट, व्हेन यू सॉल्व दिस, तो ये हो जाएगा N² = −13.6 × −3.4. तो एन स्क्वेयर आएगा 4 और एन का वैल्यू आएगा 2. मतलब ये है सेकेंड एनर्जी लेवल, एन का वैल्यू 2 है. अभी हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है क्वांटाइज होता है, एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2π. ठीक है, तो यहाँ से जो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू है, यानी इसका वैल्यू, एल का वैल्यू आ जाएगा, एन कितना निकला है 2,
तो वो हो जाएगा 2 इंटू एच बाई 2 पाई, तो यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा और एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा एच बाई पाई। राइट, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए लेते हैं एक और एग्जांपल। तो यहाँ पे दिया गया है कि इफ, लिख लीजिए आप भी क्वेश्चन, इफ द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट, ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ग्राउंड स्टेट से यानी एन इक्वल टू वन से एक्साइटेड हो गए किसी हायर स्टेट यानी एन इक्वल टू 3, 4, 5 कहीं तो या इन्फिनिट तक कहीं पे वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो चुका है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा तो उस पूरे एटम को हम कहेंगे एक्साइटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम जो है वो एक्साइटेड है। तो इफ द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब एन इक्वल टू वन से एन इक्वल टू 2 या 3 कहीं तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर चुका है, राइट, ड्यू टू एक्सटर्नल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-8 सेकेंड, मतलब जैसे मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है और ये n इक्वल टू 1 है, तो n इक्वल टू 1 से कोई तो n इक्वल टू n पे इलेक्ट्रॉन जो है वो जा चुका है, ठीक है, एक्साइट हो चुका है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट और ये जो आप देख रहे हो ये है एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड हो चुका है हायर स्टेट में, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो उसका लाइफ बताया गया है, राइट, जो यहाँ पे वो जितने देर रहने वाला है वो टाइम बताया गया है 10^-8 सेकेंड, ठीक है। तो उसके बाद वो वापस रिटर्न करेगा और बैक टू ग्राउंड स्टेट आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है हम लोगों से कि एस्टिमेट एस्टिमेट हाउ मैनी ऑर्बिट्स एंड इलेक्ट्रॉन मेक्स, हाउ मैनी ऑर्बिट्स एंड इलेक्ट्रॉन मेक्स व्हेन इट इज इन द स्टेट एन इक्वल टू 2, व्हेन इट इज इन द स्टेट। यहाँ पे ये हायर स्टेट दिया गया है, ये हायर स्टेट का वैल्यू 2 दिया गया है, ठीक है। When it is in the state n equal to 2 and before it suffers a transition, and before it suffers a transition, मतलब n equal to 2 में है ऑलरेडी और वहां पे जो उसका टाइम पे उसका जो लाइफ टाइम दिया गया, एवरेज लाइफ दिया गया उसका, वो है 10^-8, मतलब 10^-8 सेकेंड्स तक के लिए वो n इक्वल टू 2 पे रहेगा और फिर वापस लौट जाएगा n इक्वल टू 1 पे। तो जब तक वो n इक्वल टू 2 पे है तब तक यू नो हाउ मेनी ऑर्बिट्स इज इलेक्ट्रॉन, कितने बार वो इस ऑर्बिट को रिवॉल्व करेगा, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो उसके लिए हमें यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना होगा और 10^-8 को उस टाइम पीरियड से डिवाइड करना होगा, ठीक है। एंड बिफोर इट मेक्स इट मेक्स अ ट्रांजिशन और इट सफर्स अ ट्रांजिशन टू एन इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पे बोर्स रेडियस यानी ए नॉट का वैल्यू, क्योंकि आपको पता है रेडियस जो होता है वो ए नॉट एन स्क्वायर होता है, जहाँ पे ए नॉट का वैल्यू कितना होता है, ए नॉट का वैल्यू होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, राइट। जब हमने डेरिवेशन किया था तब बताया था आपको रेडियस कितना आता है, आर एन आता है, आर एन का वैल्यू आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम/z, लेकिन यहाँ पे z का वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए z का वैल्यू 1 है, तो ये सिर्फ a नॉट n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो rn का वैल्यू है वो हो जाएगा a नॉट n स्क्वायर। चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, लेट अस यू नो सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप देखिए कि अभी ये गोल तो क्लियर है, हमें क्या करना है, हमें टाइम पीरियड फाइंड करना होगा और फिर टोटल नंबर ऑफ यू नो मतलब कितने रिवोल्यूशन इतने लिए, एट हाउ मेनी ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन मेक्स, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो टोटल टाइम दिया है इसको मैं टी नॉट कह देता हूँ 10^-8 सेकेंड्स को, तो उस टी नॉट को मुझे इसके टाइम पीरियड से डिवाइड करना होगा, तो इससे मुझे मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ उसके रिवोल्यूशंस। ऑलराइट, तो पहले आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और आप जस्ट ट्राई इट आउट, आप ये वीडियो यहाँ पॉज करिए एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है।
मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो हमें पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज बेसिकली एम वी आर इज इक्वल टू वॉट इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। ऑल राइट, तो यहाँ से हमें वी का एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा, हमें वी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा एन एच बाई टू पाई एम आर। ठीक है, ये वी का एक्सप्रेशन आ चुका है। टाइम पीरियड की तरह कितना होगा, तो अगर इसका रेडियस आर है, इफ द रेडियस इज आर, टाइम पीरियड विल बी द सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय द स्पीड। ठीक है, ओके, सो दिस विल बिकम टू पाई आर बाय वी। तो यहाँ पे वी का वैल्यू डालेंगे हम, एन एच बाय टू पाई एम आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना मिल जाएगा, टाइम पीरियड मिल जाएगा हम लोगों को फोर पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर, और ये क्या है, ये एम डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय हो जाएगा एन एच। ओके, एंड एज वी नो दैट द रेडियस इज गिवन बाय आर नॉट एन स्क्वेयर। ठीक है, आर नॉट एन स्क्वेयर, तो वो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे आर की जगह पे, तो ये हो जाएगा फोर पाई स्क्वेयर, और ये हो जाएगा आर नॉट स्क्वेयर, आर नॉट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, दैट्स ऑल, और ये हो जाएगा एन स्क्वेयर का स्क्वेयर यानी एन रेज टू फोर एम डिवाइड बाई एन एच। तो ये एन कैंसिल हो जाएगा और ये एन क्यूब बचेगा। ठीक है, तो ये सारे जो वैल्यूज ये हमें पता है, फोर पाई स्क्वेयर, आर नॉट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, एन जो है यहाँ पे, राइट, तो एन का वैल्यू हो जाएगा टू, क्योंकि दिया गया है कि वो एन इक्वल टू टू पे है और टू से वन में आना है, तो वन का तो कुछ यहाँ लेना देना नहीं है। बेसिकली टू पे जो उसका लाइफ पीरियड दिया गया वो 10^-8 सेकेंड्स दिया गया, तो एन को टू डाल दोगे। एम इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और एच इज द प्लैंक मास, तो हम यहाँ से ये टी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, वो आप फाइंड कर लीजिए। तो फोर पाई स्क्वायर आर नॉट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, स्क्वायर एन का वैल्यू टू है क्योंकि एन इक्वल टू टू में है वो, तो टू क्यूब, और जो मास है वो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो डाल सकते हैं आप, और एच इज़ द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से आपको ये टाइम पीरियड मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है कि उसने टोटल नंबर ऑफ नो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कंप्लीटेड, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कंप्लीटेड, सो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कंप्लीटेड हमें निकालना है, इसमें कैपिटल एन बोल देता हूँ, तो वो हो जाएगा टोटल टाइम वो जितने देर तक है वहाँ डिवाइडेड बाय दिस टाइम पीरियड। ठीक है, तो आप जब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लोगे, ये सारे वैल्यूज लेके यहाँ डाल दोगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा 8 × 10^6, मतलब इतने ऑर्बिट्स, इतने, दिस इज यू नो 10^6 इज 10 लैक्स, सो दिस इज 80 लैक्स, मतलब इतने कम टाइम में वो 80 लैक्स टाइम्स जो है वो वहाँ पे ऑर्बिट कंप्लीट कर लेगा, इतना फास्ट वो घूम रहा है। ठीक है, ओके, तो दिस वेरी सिंपल, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए, एम ई इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। ऑलराइट, तो वो जो टाइम मिलेगा दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, वो यहाँ डालेंगे तो विल गेट द टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ बोला गया है कि determine the minimum wavelength of a photon that can cause ionization of helium plus ion। ठीक है, सो डिटरमाइन द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन दैट कैन कॉज आयनाइजेशन ऑफ हीलियम प्लस आयन। तो सबसे पहले वी लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस हीलियम प्लस आयन। हीलियम प्लस आयन में एक, इसमें इसका जो जेड है वो टू है। ठीक है, मतलब जो न्यूक्लियस है वहाँ पे दो प्रोटोन है, तो दो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इसके अराउंड दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, इट्स ऑलरेडी एच ई प्लस,
राइट, इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इज ओनली वन नेगेटिव चार्ज एंड देर आर टू पॉजिटिव चार्ज, सो जेड इज इक्वल टू टू ई, ठीक है, एंड दिस इज ई, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड घूम रहे हैं, सो दिस इज हाइड्रोजन लाइक एटम. वॉट इज दिस? दिस इज बेसिकली हाइड्रोजन लाइक एटम. तो सबसे पहले हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि जो इसका ग्राउंड स्टेट में इसका एनर्जी कितना है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट यानी एन इक्वल टू वन में. तो एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला हमने देखा था, हमने जो फाइंड आउट डिराइव किया था वो था 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है. तो यहाँ पे जेड का वैल्यू आप डाल दीजिए, जेड का वैल्यू हो जाएगा 2, राइट, क्योंकि हीलियम है तो जेड इज 2, सो वो हो जाएगा यहाँ पे 2 स्क्वायर. All right, so this will become 2 square, so into 2 square, और n is 1, ठीक है. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ग्राउंड स्टेट में जो उसका टोटल एनर्जी है, वो टोटल एनर्जी आ जाएगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है, तो आयनाइज करना मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हमें इसे n इक्वल टू इन्फिनिटी पे पहुँचाना होगा, ठीक है. अब n इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो इसकी टोटल एनर्जी है वो होगी 0, राइट, क्योंकि जब आप यहाँ पे डालोगे n इक्वल टू इन्फिनिटी, टोटल एनर्जी निकल के आएगी कितनी? वो 0 निकल के आएगी. तो यहाँ पे उसकी जो एनर्जी है n इक्वल टू 1 पे, वो एनर्जी कितनी है? वो एनर्जी है -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और अगर आपको उसको आयनाइज करना है, यानी वो अगर आयनाइज होता है तो उसकी एनर्जी होगी 0. तो आयनाइज करने के लिए हमें उसे जो ये डिफरेंस है, राइट, उतना एनर्जी उसको सप्लाई करना होगा, यानी उसके पास अभी इतना है लेकिन उसको इतना चाहिए, ठीक है. तो हमें उसे कितना सप्लाई करना होगा? हमें उसे सप्लाई करना होगा e फाइनल माइनस e इनिशियल, यानी हायर माइनस लोअर. तो वो होगा 0 माइनस ऑफ -54.4, मतलब कुल मिला के हमें सप्लाई करना होगा +54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इस एनर्जी का फोटोन हमें यूज़ करना होगा, ठीक है. तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे HF, बिकॉज एनर्जी ऑफ फोटोन, मतलब इस एनर्जी का फोटोन हमें चाहिए. जिस जो फोटोन ये इतना एनर्जी लेके आएगा और वो आकर इसको स्ट्राइक करेगा, वो फोटोन E इक्वल टू HF, और वो एनर्जी जब ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा तब वो यहाँ से, राइट, यानी 54.4 वोल्ट का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी जब वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा तब वो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी वो आयोनाइज हो जाएगा. ऑलराइट, तो दैट्स वेरी सिंपल. तो यहाँ से बस सॉल्व करके हमें क्या करना है, हमें यहाँ से निकाल लेना है फ्रीक्वेंसी, लेकिन हमें पूछा गया है वेवलेंथ, तो वी विल राइट दिस एज एच सी बाय लैम्डा, ठीक है. तो दैट्स ऑल, इसको सॉल्व करना है. एच आपको पता है, सी आपको पता है, तो यहाँ से जो लैम्डा आपको मिलेगा वो मिलेगा 22.8 नैनोमीटर. ओके ओके, सो लेट अस टेक द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड इन डी एक्साइटेशन. ऑलराइट, तो अगर यहाँ पे हम ऐसा मान लें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ये अपना n फाइनल, जिसको मैं कहता हूँ n, यानी हायर एनर्जी लेवल, और n इनिशियल यानी यू नो जो कि m, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन जो है ऑलरेडी एक्साइटेड है, तो वो अभी जो अपने एक्साइटेड स्टेट से वो डी एक्साइट होकर लोअर एनर्जी लेवल में आने वाला है. तो ये है हायर एनर्जी लेवल और ये है लोअर एनर्जी लेवल, तो डी एक्साइटेशन, ठीक है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल में या एक्साइटेड स्टेट में वो ज़्यादा देर रह नहीं सकता है, क्योंकि वो उसके लिए अनस्टेबल स्टेट है. जो उसका ग्राउंड स्टेट है वो उसके लिए स्टेबल स्टेट है. तो वो कभी भी अगर एक्साइट होगा, एक्साइट होकर वो जब भी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा तो वो वापस वहाँ से लौट कर आएगा, ठीक है. कुछ समय वहाँ रहेगा, हायर एनर्जी लेवल में कुछ समय वहाँ रहेगा, लेकिन वो वापस जो है अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा, ठीक है. ओके, तो जब वो वापस आएगा तब वो एक फोटोन रिलीज करेगा, ठीक है, और उस फोटोन की जो एनर्जी होगी, राइट, यानी एच एफ, एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी, ये जो एनर्जी होगी दिस विल बी इक्वल टू द एनर्जी गैप, राइट, दैट विल बी इक्वल टू द एनर्जी गैप, यानी ये जो एच एफ है दिस विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द एनथ ऑर्बिट, यानी ई एन माइनस द एनर्जी ऑफ द एमथ ऑर्बिट, यानी ई एम.
सो दिस एनर्जी ऑफ द फोटोन विल बी इक्वल टू द एनर्जी गैप राइट इस दोनों ये जो ऑर्बिट है ये जो एनथ ऑर्बिट है ये एमथ ऑर्बिट इसका जो एनर्जी गैप है उस एनर्जी गैप के बराबर का फोटोन वो रिलीज करेगा ठीक है ऑलराइट ठीक है और जब एक्साइट होगा तो उसी एनर्जी गैप के बराबर का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तब वो ऊपर जाएगा और जब डी एक्साइट होगा हायर से लोअर में आएगा तो हायर से लोअर कैसे आ सकता है ऑब्वियसली उसको कुछ एनर्जी रिलीज करना होगा ठीक है ऑलराइट अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो आपको 100 से 500 अगर जाना है यानी 500 रुपीज़ चाहिए तो आपको 400 रुपीज़ एब्जॉर्ब करने होंगे ठीक है और 500 से अगर आपको 100 तक आना है तो क्या करना होगा तो आपको यहाँ से 400 रुपीज़ आपको लूज़ करना होगा तब आप 100 पे आओगे दैट्स सो सिंपल है कि नहीं तो उसी तरह से अगर आपको लोअर एनर्जी लेवल से एक इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल पे जाना है तो उसको फोटोन एब्जॉर्ब करना होगा और अगर उसको हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आना है तो उसको फोटोन रिलीज करना होगा तो ये आइडिया है यहाँ पे ठीक है तो जैसा कि हम लोगों ने एनर्जी का जो फार्मूलाज का डेरिवेशन किया था मैं जब आपको याद दिलाता हूँ तो इसका जो ये आया था -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मैंने बताया था आपको डेरिवेशन में कि 13.6 इज बेसिकली आर एच सी आर इज़ द रिडबर्ग्स कॉन्स्टेंट एच इज़ द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड सी इज स्पीड ऑफ लाइट तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन बी रिप्लेस बाई आर एच सी एंड दिस इज जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर दिस इज द एनर्जी ऑफ द एनथ लेवल ठीक है राइट आई होप आपको ये याद आ रहा होगा तो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द एनथ एंड एमथ का एनर्जी क्या हो जाएगा एमथ में बस आप एन की जगह एम डाल दोगे तो वो हो जाएगा -RHc जेड स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है तो ये En का वैल्यू और Em का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे लिए लेट अस राइट इट तो ये हो जाएगा HF ठीक है यानी F इज़ द फ्रीक्वेंसी जो ये फोटोन यहाँ से रिलीज हुआ है जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा है डी एक्साइट मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है तो एक फोटोन रिलीज हो रहा है उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी F है तो HF इज इक्वल टू EN माइनस EM तो EN माइनस EM करना है राइट तो ये हो जाएगा दोनों में एक बार मैं लिख देता हूँ तो -RHc जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ठीक है ओके उसके बाद एक माइनस ठीक है ना EN माइनस EM तो EM का वैल्यू क्या है ये है यानी -RHc जेड स्क्वायर बाई एम स्क्वायर ऑलराइट ठीक है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आप RHc कॉमन ले सकते हो तो RHc कॉमन लिया हमने जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया अंदर बचेगा 1/m² -1/n² तो आप देख सकते हो जो लोअर एनर्जी लेवल है वो पहले आ रहा है ठीक है ओके चलिए तो यहाँ से अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आप जो ये फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा स्पीड बाय वेवलेंथ ठीक है और इक्वल टू ये क्या है RHc जेड स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर है 1 लोअर एनर्जी लेवल का स्क्वायर -1 हायर एनर्जी लेवल का स्क्वायर ठीक है ओके तो यहाँ से ये एच कैंसिल हो जाएगा और सी भी कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 1 लैम्डा तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया 1 लैम्डा इज इक्वल टू RZ² जेड इज़ द एटॉमिक नंबर ठीक है अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो वही जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी ठीक है दैट्स सो सिंपल राइट तो अगर हीलियम की बात करेंगे तो जेड का वैल्यू 2 हो जाएगा तो दिस इज़ 1 लोअर एनर्जी लेवल का स्क्वायर -1 द हायर एनर्जी लेवल का स्क्वायर तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो 1 लैम्डा राइट 1 लैम्डा लैम्डा इज़ द वेवलेंथ तो ये जो फोटोन यहाँ से रिलीज हुआ है इस फोटोन का वेवलेंथ है लैम्डा तो 1 लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा वो हो जाएगा RZ² इंटू 1/m² एम क्या है एम इज़ द राइट लोअर एनर्जी लेवल राइट जैसे मान लो ये है एन इक्वल टू 1 और ये है एन इक्वल टू 5 तो एन इक्वल टू 1 ये लोअर एनर्जी लेवल ये है एम का वैल्यू यानी लोअर एनर्जी लेवल राइट जो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल में वापस आ रहा है तो
वो डी एक्साइट होकर जो हायर से लोअर में आ रहा है, तो ये लोअर एनर्जी लेवल का आपको यहाँ पे एन का वैल्यू डालना है और यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल का वैल्यू डालना है, ठीक है, दैट्स ऑल। तो वी ऑल्सो टेक सम एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन दिस। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 1/λ आप देख रहे हो, लैमडा इज़ अ वेव लेंथ, ये जो आप देख रहे हो इसको वेव नंबर कहते हैं। तो इस तरह से इसको कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो द वेव नंबर। तो 1/λ और दिस इज इक्वल टू द वेव नंबर, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे 1/λ को वेव नंबर कहते हैं। तो वेव नंबर का फॉर्मूला भी यही हो गया, आर जेड स्क्वेयर इंटू 1/m² माइनस 1/n², ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा इसके बेस्ड एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हम लोग। तो यहाँ पे बहुत सारे हम लोग अलग अलग सीरीज डिस्कस करने वाले, जैसे कि लाइमन सीरीज, राइट, ब्रैकेट सीरीज, पुफान सीरीज, इस तरह से जो अलग अलग पास्टन सीरीज हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग। तो लेट अस स्टार्ट यू नो बाय डिस्कसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लाइमन सीरीज। सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इज लाइमन सीरीज। सो टॉकिंग अबाउट द लाइमन सीरीज, सो लाइमन जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है। यहाँ पे जो लाइमन सीरीज है वो बेसिकली ऐसा है कि एम का वैल्यू यानी जो लोअर एनर्जी लेवल उसका वैल्यू फिक्स्ड है, उसका वैल्यू 1 है, और जो हायर एनर्जी लेवल है उसका वैल्यू 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनिटी कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी, ओके। मतलब इसको मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये अपना है लोअर एनर्जी लेवल, यानी ये है आपका एम इज इक्वल टू 1 द लोअर एनर्जी लेवल, और ये यहाँ पे दिस इज़ यू नो 1, दिस इज 2, ये सब कुछ भी हो सकता है, सॉरी दिस इज़ नॉट 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ये जो हायर एनर्जी लेवल है इस तरह से ये 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। तो लाइमन सीरीज का मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बनेगा, राइट, जो यहाँ पे फोटोन्स रिलीज होंगे, तो वो जो फोटोन्स हैं उनके अलग अलग वेवलेंथ्स होंगे। जैसे मानिए एन इक्वल टू 2 से 1 में जब आएगा तो एक वेवलेंथ रिलीज होगा λ1, यानी जब फोटोन रिलीज होगा उस फोटोन का वेवलेंथ λ1। एन इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में जब आएगा, तो यहाँ पे जब n = 3 से n = 1 में जब आएगा तो जो वेवलेंथ रिलीज होगा वो है λ2, ठीक है। 4 से जब 1 में आएगा इसको मैं कहता हूँ λ3, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो तो यहाँ पे एक सीरीज बन रहा है λ1, λ2, λ3, इस तरह से λ4, और ये होगा जो वेवलेंथ है ये लैम्डा इन्फिनिटी से जो आएगा, ऑलराइट। तो ये जो है ये सबसे बड़ा एनर्जी गैप है, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो दिस इज द हाईएस्ट एनर्जी गैप, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो सबसे हाईएस्ट आएगा HF, तो ये होगा F मैक्सिमम और ये होगा लैम्डा मिनिमम। तो यहाँ पे जो इससे जो हमें वेवलेंथ मिलेगा यानी लैम्डा इन्फिनिटी, ये होगा हमारा स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट एनर्जी गैप, कॉरस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट। तो एज वी नो दैट यू नो एनर्जी इज इक्वल टू HF, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले ये एनर्जी गैप है, उसके बाद हम इस एनर्जी गैप की बात कर रहे हैं, फिर इस एनर्जी गैप के कॉरस्पॉन्डिंग, तो λ1, λ2, λ3। तो ये इस तरह से आप देख रहे हो कि अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा, राइट, लेकिन जैसे जैसे एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेवलेंथ घटता जाएगा, बिकॉज एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी गैप के बारे में यहाँ पे, क्योंकि जो एनर्जी गैप है एनर्जी गैप के कॉरस्पॉन्डिंग ही यहाँ पे जो है फोटोन रिलीज होगा और उस फोटोन का एनर्जी होगा HF, ऑलराइट। तो एफ इज द फ्रीक्वेंसी, तो जैसे जैसे एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे एनर्जी गैप बढ़ेगा वैसे वैसे वेवलेंथ घटता जाएगा। और ये जो लास्ट जो वेवलेंथ है यहाँ पे आप देखो सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, इसको हम लोग कहते हैं सीरीज लिमिट। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सीरीज लिमिट। तो ये जो बहुत सारे अलग अलग तरह के वेवलेंथ यहाँ पे रिलीज हो सकते हैं, राइट, जब वो फोटोन्स, जब वो इलेक्ट्रॉन्स n = 1 यानी ग्राउंड स्टेट में जब पहुँचेंगे, राइट, जिसको हम m कह रहे हैं, द लोअर एनर्जी लेवल फिक्स कर दिया गया है 1 पे, राइट, और एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 से एक्साइट होके 1 पे आ सकता है, इलेक्ट्रॉन 3 से डी एक्साइट होके 1 पे आ सकता है, इलेक्ट्रॉन 4 से डी एक्साइट होके 1 पे आ सकता है। तो ये डी एक्साइटमेंट कहीं से हो सकता है, लेकिन उसको आना कहाँ है, उसको आना है यहाँ पे
एन इक्वल टू वन, यानी लोअर यानी ग्राउंड स्टेट में उसको आना है, ठीक है। ऑलराइट, तो इसको हम लोग कहते हैं लाइमन सीरीज, दिस इज कॉल्ड एज द लाइमन सीरीज। ये एक स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है, यानी यहाँ पे ये फिक्स हो गया कि यही वेवलेंथ जो है यहाँ पे रिलीज होने वाला, यही वेवलेंथ यहाँ मिलने वाला है। अभी तो अब बात करते हैं हम लोग बाल्मर सीरीज की, ठीक है। तो बाल्मर सीरीज जो है, राइट, ये जो साइंटिस्ट हैं बामा बाल्मर ने इन्हें इसे फाइंड आउट किया था। तो लेट अस टॉक अबाउट बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज में जो एम है, एम का वैल्यू फिक्स है 2 पे, ठीक है, और यानी जो लोअर एनर्जी लेवल है उसका वैल्यू फिक्स है 2 पे, यानी जब डी एक्साइटेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन को वापस एम इक्वल टू 2 पे ही आना है। तो हम लोग उस स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं जो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा, और एन की वैल्यू जो है वो 2 के ऊपर यानी 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इन्फिनिट तक। तो इसको चलिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। से मान लीजिए कि ये है लोअर एनर्जी लेवल, ये हो गया अपना, राइट, एन इक्वल टू 1, ये हो गया एन इक्वल टू 2 जिसको हम एम कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और फिर इसके बाद 3, 4, 5, 6 इस तरह से इन्फिनिटी, राइट राइट, ठीक है। तो ये एम इक्वल टू 2 मैं कह रहा हूँ, और ये एन इक्वल टू 3 यानी जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से डी एक्साइट होकर वापस आएगा तो एक वेवलेंथ रिलीज करेगा, लैम्डा 1 कह देते हैं उसको हम लोग। फिर ये एन इक्वल टू 4 यहाँ से जब रिलीज होगा नीचे आएगा, इसको हम लैम्डा 2 कह देते हैं, ऑलराइट, ठीक है। और जब यहाँ से रिलीज होके आएगा एन इक्वल टू 5 से, तो इसको हम लैम्डा 3 कह देते हैं। मतलब ये अलग अलग केसेस है, ऐसा नहीं कि, राइट, मतलब इसमें कैसा है, जैसे मानिए आपके पास बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं और उसमें जो अलग अलग एटम्स हैं, राइट, उनका एक्साइटमेंट, उनका एक्साइटेड स्टेट अलग अलग है। जैसे मानिए कि उसमें कुछ हाइड्रोजन एटम्स हैं जो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू 3, राइट, उसका जो एक्साइटेड स्टेट है वो है एन इक्वल टू 3, और कुछ हाइड्रोजन एटम्स हैं जिसमें एक्साइटेड स्टेट एन इक्वल टू 4 है, कुछ हाइड्रोजन एटम्स ऐसे हैं जिसमें एक्साइटेड स्टेट एन इक्वल टू 5 है। सारे हाइड्रोजन एटम्स एक जगह रखे हुए, अगर इनका एक सैंपल बनाया हुआ है, तो आपको उस सैंपल से ही अलग अलग रेडिएशन आपको मिलेंगे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक अलग सा आपको एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। मैं आपको ये पॉइंट फिर से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सैंपल है और इस सैंपल में बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, बहुत सारे, और ये जो हाइड्रोजन एटम्स है ये एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन सबका एक्साइटेड जो स्टेट है वो अलग अलग है, ठीक है। कोई एन इक्वल टू 3, राइट, उसका इलेक्ट्रॉन जो एन इक्वल टू 3 पे एक्साइट हुआ हुआ है, किसी के अंदर एन इक्वल टू 4, किसी में एन इक्वल टू 5। तो ये जो सैंपल है इसमें जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके एम इक्वल टू 2 पे आएंगे तो यहाँ से हमें अलग अलग रेडिएशन हमें यहाँ से मिलेंगे। तो इस सैंपल से जो है हमें ये सारे वेवलेंथ मिलेंगे, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 सब मिलेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। ऑलराइट, तो ये बाल्मर सीरीज है। तो बाल्मर सीरीज में जो लोअर एक्साइटेड स्टेट है वो यहाँ पे एम इक्वल टू 2 रखा गया है, तो इस तरह से हमें मिलेगा। और जो एन इक्वल टू इन्फिनिटी से जो ये वेवलेंथ आएगा, लैम्डा इन्फिनिटी बोलता हूँ मैं इसको, ये होगा आपका स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, क्योंकि यहाँ पे ये जो एनर्जी गैप है ये मैक्सिमम एनर्जी गैप के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो जितना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, लेकिन वेवलेंथ उतना कम होगा, बिकॉज एनर्जी गैप इज इक्वल टू HF इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा, राइट, मैंने समझाया था आपको। तो इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो अगर एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ छोटा होगा। तो ये इसको हम लोग कहते हैं सीरीज लिमिट, ठीक है। तो जब भी हमें सीरीज लिमिट फाइंड करना होगा तो हम एम का वैल्यू 2 रखेंगे और एन का वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे फॉर बाल्मर सीरीज। वैसे लाइमन सीरीज के लिए जब भी हमें सीरीज लिमिट फाइंड करना होगा हम एम का वैल्यू 1 रखेंगे और एन का वैल्यू क्या रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे और भी दूसरे सीरीज हैं, जैसे कि पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, कोफान सीरीज। तो जो पास्टन सीरीज है, राइट, पास्टन सीरीज में बस ये लोअर वैल्यू चेंज होने वाला है, तो मैं आपको वो यहाँ बता देता हूँ, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन, राइट। तो नाम है यहाँ पास्टन सीरीज, PASCHEN। तो इसमें जो लोअर वैल्यू ये 3 हो जाएगा एम का वैल्यू, और ये जो वैल्यूज है ये हो जाएंगे 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसी तरह से ये डायग्राम चेंज हो जाएगा, राइट, ये सारे सीरीज जो है यहाँ पे एंड होंगे इस तरह से, ओके। तो वो हो जाएगा आपका पास्टन सीरीज। और इसके बाद एक है यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं ब्रैकेट सीरीज,
ये अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये अलग अलग सीरीज का को फाइंड आउट किया था, इस पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये है ब्रैकेट सीरीज। इसमें क्या होगा, इसमें m का वैल्यू 4 हो जाएगा और n का वैल्यू 4 के ऊपर यानी 5 से शुरू हो जाएगा, ठीक है, 5 6 7 एंड सो ऑन, ऑलराइट। इसको हम लोग कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। और सीरीज लिमिट क्या होगा, सीरीज लिमिट के लिए आप m को 4 डालोगे, n को इन्फिनिट डालोगे, राइट। उसको तो वहां से जो वेवलेंथ आएगा यानी 1 बाई लैम्डा का वैल्यू आएगा, फिर आप लैम्डा फाइंड आउट कर लोगे, तो उसको हम लोग कहते हैं सीरीज लिमिट पर ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। फिर लास्ट है अपना यहाँ पे, वो है फन सीरीज, यानी ये फन सीरीज कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो इसमें जो एन का वैल्यू है वो हो जाएगा 5 और एन का वैल्यू शुरू हो जाएगा 6 से, यानी 6 7 एंड सो ऑन, ऑलराइट, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं फन सीरीज, यानी ठीक है, मैंने पी को साइलेंट ले लिया, तो फन सीरीज, ओके, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग सीरीज हैं, राइट। तो जो लाइमन सीरीज है, इट लाइज इन द अल्ट्रा वायलेट रेंज, और जो बाल्मर सीरीज है, दैट लाइज इन द विजिबल लाइट रेंज, और उसके बाद जो बाकी हैं, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और प्रोफाउंड सीरीज, दे आर ऑल इन द इंफ्रारेड रीजन। तो वो मैं आपको एक यहाँ पे टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ।